देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लाल कुआं से है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों में उठक पुटक चालू हो गई है। जहां एक ओर कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दल कार्यकर्ता को पार्टी में जोड़ने में लगी हुई है। ऐसा ही एक मामला कांग्रेस पार्टी में देखा गया, जहां वरिष्ठ महिला नेत्री एवं नैनीताल जिला महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष गीता शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यहां अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ महिला नेत्री और गीता शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं की हमेशा अनदेखी ही की जाती है तथा समाज से जुड़े लोगों को भी कई जगह नहीं मिलती, जिससे नाराज होकर उन्होंने अपनी दर्जनों महिला समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नगर कांग्रेस कमेटी में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ताओं की हमेशा अनदेखी करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को जनविरोधी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी उनका किसी भी पार्टी में जाने का मन नहीं तथा वे जनता के साथ मिलकर समाज सेवा करेंगे। मैं गीता शर्मा, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, लेकिन मैं आज 20 तारीख 9 महीना 2020, जिसमें मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। हम लोग को इसमें कांग्रेस पार्टी में कई मुद्दे उठाए, जिससे हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है। एक पदाधिकारी की या सक्रिय कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे रुष्ट होके मैं उससे इस्तीफा दे रही हूँ। इसकी नीति, कांग्रेस की नीति कोई भी ठीक नहीं है। गिने चुने लोगों से कांग्रेस चल रही है, इनकी नीतियों से मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए आज मैं गीता शर्मा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। हाँ, इसमें मेरे साथ कम से कम 100 लोग मैं कांग्रेस पार्टी से करवा दी। आप देख रहे हैं लाल कुआं से, रिपोर्टर जफर अंसारी की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।